अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सबका आपका अपने चैनल जिसका नाम है रूल ब्रेकर्स। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि आप सबको पता है कि खुदा और मोहब्बत का टीजर 5 आ चुका है और कल आ रहा है इसका ऑफिशियल, कहते हैं OST, जो कि मैं ज़रूर रिएक्शन दूंगा। आप सबको बता कि मेरा खुदा और मोहब्बत फेवरेट सीरियल है और इसमें तो अलग ही स्टोरी हो गई, सब कुछ अलग सिस्टम हो गया। टीजर 5 आ गया, ये देखेंगे और फिर करेंगे इसके बारे में बात। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आपको इसका फुल रिएक्शन मेरे फेसबुक पेज पर ही मिलेगा, क्योंकि कॉपीराइट का इशू है तो यूट्यूब पर नहीं कर सकता। तो आइए मिलकर देखते हैं इसका ये टीजर 5 और फिर करेंगे इसके बारे में बात। स्टार्ट करते हैं। ओए होए हो, तनु मैं किन्नी वारी आके आए कि मैं तेरी याद से मर जावांगा, तो मैनू इन्ना याद ना आया कर। ओए होए, कुछ ऐसा ही था। लेकिन यार क्या बात हो गया, क्या जबरदस्त यार ये ड्रामा। पहले जो स्टोरी थी ना, या पहले जो सीजन थे ना, पहला और दूसरा, जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट सीजन हुए थे, लेकिन ये उसको भी पार कर जाएगा। इस वक्त इसकी जो रेटिंग है मेरे हिसाब से सबसे ऊपर जा रही है दो ड्रामे, रक्से बिस्मिल और खुदा और मोहब्बत। रक्से बिस्मिल बहुत ही ज़बरदस्त जा रहा है और खुदा और मोहब्बत जिसको मैं आप लोगों के साथ देखूंगा, आप लोगों को पता है, ठीक है, मैं ये पूरा OST क्या पूरा ड्रामा हर चीज़ आप लोगों के साथ देखूंगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला। मैंने दूसरे ड्रामों की वोटिंग करवा ली, लेकिन उन पर भी रिएक्शन होगा, लेकिन ये जब भी आया करेगा कोई रिएक्शन नहीं बनेगा, सिर्फ और खुदा और मोहब्बत का जो एपिसोड हुआ करेगा उसी पर उस दिन रिएक्शन हुआ करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी इसकी, सबको पता कि चेंज हो गई है। मैंने भी जो लास्ट टीज़र में इन्होंने मोस्टली उसी में क्लियर किया था कि स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इसकी चेंज हो गई है, काफ़ी ज़्यादा क्या, ये स्टोरी ही अलग होगी, पहले जैसी नहीं होगी। तो अब ये देखने में मज़ा आएगा जब इसका OST आएगा। तो OST इसका कब आ रहा है, और ज़्यादा लंबा इंतज़ार करने की जरूरत नहीं, हमें कल ही इसका OST आ रहा है, जो कि मैंने गूगल पर जाके इधर उधर जो सर्च किया कि इसका जो ऑफिशियल सॉन्ग है, जो इसका ऑफिशियल OST आएगा, वो 18 तारीख को रिलीज हो रहा है। तो मैं अभी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ, मतलब कल। आज 17 है, कल 18 है, तो कल इसका OST आएगा और मैं उस पर रिएक्शन दूंगा ही दूंगा, जो मर्जी हो जाए। और मज़ा बहुत आने वाला, आप सबको भी पता है कि इंतहा का मज़ा आने वाला है इस ड्रामे में। जो शेरो शायरी हो गए हैं, जो फीलिंग लेके आ गए हैं, बहुत ज़बरदस्त है। फिरोज़ खान को पंजाबी बोलते हुए मैंने पहली बार देखा है और बहुत ही ज़बरदस्त लगी उसके चेहरे से, जिस तरह से उसने एक्सप्रेशन दिए। दोनों ही बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं और दोनों की एक्टिंग इस ड्रामे में फाड़ देगी हर चीज़। मैं कहना चाहूँगा अगर जियो मुझे परमिशन देता ना, तो मैं इसके सारे एपिसोड अपने यूट्यूब पे डायरेक्टली अपलोड कर देता, लेकिन कब परमिशन दे, वो नहीं देता ना जियो हम लोगों को परमिशन, पाकिस्तानी है ना, नहीं देता। इंडियन के पास हर किसी के पास परमिशन है। मैं तो यहाँ पर अगर मैं इसका टीज़र भी अपलोड कर दूंगा, मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगी, पता, तो इसलिए इसको मैं सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पर अपलोड करूँगा, यूट्यूब पर नहीं मिलेगा आपको। तो फुल रिएक्शन आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके ज़रूर चेक करिएगा। बाकी अपने भाई को दुआ में ज़रूर याद रखें और कल OST का रिएक्शन देखने के लिए ज़रूर आइएगा। आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब पर सबसे पहले उस्मान ही उस पर रिएक्शन देगा, जहां तक मुझे लग रहा है। अगर लेट हो गया तो टेंशन ही लेनी आपने। बाकी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलें। लव यू गाइस, टेक केयर।